एग्जाम्पल नंबर टू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री। यहाँ पे माइनस है ना, तो इसे कैसे करेंगे? काफ़ी आसान है, इसे करने के दो तीन तरीके हैं, लेकिन मैं वो बताऊंगा जो मुझे सबसे आसान लगता है और आपको भी आसान लगेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होगा। हमें सिंपल ही दो फॉर्मूले हैं जो दो ये लिख रखे मैंने, इन्हें याद करना पड़ेगा। मैं दो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो ये तीनों ना सेम तरीके के हैं, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। जब भी माइनस एक्स होगा तब उसे आप लिख सकते हो माइनस टेन साइन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, है ना। साइन, टेन और कॉसेक तीनों सेम सेम, याद कर लो ऐसे करके। कॉस, कॉट और सेक, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। जब भी माइनस एक्स होगा उसमें तब आप उसे लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इन्हें याद कर लो, तीनों सेम है, ये तीनों सेम है तो याद करने में आसानी रहेगी, है ना। यहाँ पे क्या है हमारे पास, कॉट इनवर्स, तो कॉट की बात करेंगे हम। तो इसे कुछ मान लो, सबको ये यूज़ करना तो आता है ये भी, तो इसे कुछ मान लो, लेट कर लेते हैं वाई, लेट वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस वन अपॉन में अंडर रूट थ्री। ठीक है, हमें पता है जब भी कॉट इनवर्स माइनस एक्स होगा तब हम उसे लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो मैं इसे लिखने वाला हूँ वाई इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स वन अपॉन में अंडर रूट थ्री। अब जो माइनस था ब्रैकेट के अंदर वो नहीं है, ठीक है, तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स वन अपॉन में अंडर रूट थ्री। इसे मैं लिख सकता हूँ कॉट पाई ओवर में थ्री, यस और नो? कॉट पाई ओवर थ्री मतलब कॉस 60 की वैल्यू तो होती है वन बाई अंडर रूट थ्री, एक ही बात है। अब मैं क्या इसे कैंसिल कर सकता हूँ, सोच के बताओ। मैं तभी कैंसिल कर सकता हूँ जब मेरी वाई की वैल्यू इसमें आ रही हो, कॉट इनवर्स के रेंज में आ रही हो, और कॉट इनवर्स का रेंज क्या है, जीरो से पाई मतलब जीरो से 180। तो अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, पाई माइनस पाई बाय थ्री मतलब 180 माइनस 60। पाई मतलब 180 होता है, पाई बाय थ्री मतलब 60 होता है, तो 120 आएगा। तो 120 क्या इसमें आता है, 0 से 180 के बीच में? बिल्कुल आता है, तो सो नो 120 0 से 180 के बीच में तो आएगा। तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ये जो है ना, ये जो रेंज है ना, रेंज इसी काम आती है कि आप कैंसिल कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है ना। याद रखिए बात ये, इन्हें याद करना पड़ेगा आपको, कॉस क्या होता है, कॉट इनवर्स क्या होता है, सेक इनवर्स क्या होता है। आसान भी है, कर लेना याद आप। तो वाई इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, पाई माइनस पाई बाय थ्री। एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा आपको, थ्री पाई माइनस पाई बाय थ्री मतलब टू पाई बाय थ्री मतलब 120। यही हुआ ना, ये बिलोंग करता है हमारा, बिलोंग किस में करता है, जीरो से पाई में, जो कि करना चाहिए, नहीं करेगा तो हम कैंसिल नहीं कर सकते थे। ये हमारा आ गया आंसर, लिख देना आप नीचे y इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स माइनस वन बाई अंडर रूट थ्री। और आप चाहो तो जो ये फॉर्मूला लिखा है ना हमने, इसको यहाँ लिख देना, क्योंकि ये जो अब की नई वाली बुक है उसमें ये दे नहीं रखा फॉर्मूला, तो ये मेंशन कर देना कि आपने ये यूज़ किया है यहाँ पे कॉट इनवर्स x, ठीक है। तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे और अच्छे से नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़े हम,